अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद मतलब फिर से आई थिंक 3 दिन के बाद मैं फिर से मतलब व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मौसम ना ख़राब था तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और घर में आप बार बार क्या एक ही व्लॉग देख लोगे। तो और अभी ना मैं आई थी बाहर, मेरे को कुछ काम था और आज मौसम भी ठीक था तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी बना ही लेते हैं। तो अभी मैं ना टम टम लेकर आई हूँ, तो अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से फिलहाल। और ऐसा मुर्तजा भी है, वो उधर आ गया है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, हो गए रेडी अपन हो गए रेडी, तो निकलते हैं हम यहाँ से अभी, यहाँ से जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके उसके बाद देते ब्लॉगिंग पे ध्यान, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम फिर से वापस ब्लॉगिंग कर रहे। तो अभी ये है कि पता है मैं ना गिर गई थी थोड़ी देर पहले वहाँ पे पीछे ना, वहाँ चिक्कड़ में, आज मैंने परफेक्ट बोला चिक्कर, तो उधर में चिक्कर में मेरी ना स्कूटी जो है फंस चुकी थी ना, और उधर से निकालना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने इस मोड़ पे मुझे बहुत डर लग सा है। तो गाइस ना वहाँ पे ना स्कूटी बिल्कुल फंस गई थी, मैंने कैसे कैसे निकाली है ना वो मुझे ही पता है काम। तो अभी ना फिर कोई आधा 10 मिनट के बाद स्कूटी निकली है, एंड देन उसके बाद मैं कहीं यहाँ तक पहुँची, फिर मैंने वहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट किया जैसे कि आपने देखा। तो गाइस सारा ना कबाड़ा हो गया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं इतना बोलते बोलते आ रही हूँ ना, तो पीछे से मतलब मैं कैमरा ऑन होता है, हेलमेट के अंदर सुनाई नहीं देता कुछ, तो फोन आए थे इतने ना, तो वो सारी वीडियो ना खराब हो गई है। मैं यहाँ से बोलते जा रही हूँ ना, वो वीडियो खराब हो गई। नहीं मैंने से बोला था मैंने छोड़ो आप रहने, तो अब मैंने ना फ्लाइट मोड ऑन कर दिया है, अब मैं ना बाहर ही नहीं दूंगी किसी को। तो हाँ मुझे आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी, मतलब जो हमारे कश्मीरी भाई बहन है ना, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं एक वर्ड का यूज़ जो होता है लानत, ठीक है, वो इस वर्ड का यूज़ करते हैं और कहते हैं कि इनके घर वालों पे लानत, इन पे लानत। पहले तो मैं ना प्रॉपर ये वर्ड बोल नहीं सकती क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बोला है, तो मेरा कहने का ये मतलब है जो हमारे कश्मीरी भाई बहन कॉमेंट करते लानत, तो लानत बहुत गलत वर्ड है जो कि हमारे मतलब हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लानत का मतलब बहुत गलत होता है। कहते हैं जब इंसान किसी को लानत बोलता है ना, तो लानत जो वर्ड होता है वो आसमान पे जाता है, जब वो आसमान पे जाता है तो उसके लिए सारे दरवाजे आसमान के बंद हो जाते हैं, तो वो ज़मीन की तरफ आता है, जब ज़मीन पे उसको जगह नहीं मिलती है तो वो दाएं बाएं भागने लगता है, तो दाएं बाएं ऐसा होता है कि दाएं बाएं भी उसको जगह नहीं मिलती है, तो दाएं बाएं जब जगह नहीं मिलती है तो उस इंसान पे जाता है जिस इंसान के लिए दूसरे ने बोला हो कि तुझे लानत, तो अगर वो लानत के काबिल ना हो ना, तो वो लानत वहाँ से वापस होके दूसरे वाले पे जिसने बोला होता है ना, तो उसी पे जाती है। तो ठीक है, तो किसी को जज करना, हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी ताकतें अल्लाह ताला ने मौजूद नहीं की हुई हैं कि हम किसी का जज कर सकें कि कैसा बंदा है, वो तो हम अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं ना कि कौन कैसा है। तो हमें ना कमेंट ही करने चाहिए ऐसे, मतलब लानत वगैरह जो आप कमेंट करते हो ये बहुत ही गलत है, ठीक है, अगर आपको बुरा लगा हो या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मेरे दिल में बहुत दिनों से ऐसी बात थी, क्योंकि मैं बहुतों की कमेंट देख रही थी किसी ना किसी की रील्स पे, इवन कि मेरी रील्स पे भी थी, ये नहीं कि मतलब दूसरों की रील्स पे, मेरी रील्स खुद की रील्स पे भी ऐसा कि लानत, तो ये गलत बात है, सो प्लीज़ आप ये सब ना करें। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ शेरी बाज़ार में ना, तो निकल लेते हैं, ऐसे ही निकल लेते हैं। तो मुझे इतना अफसोस है ना, पीछे से मैं बोलती इतना आ रही थी, तो लेकिन क्या बोलूँ, उन्होंने फ़ोन कर करके बीच में, अब मैंने फ्लाइट मोड ही ऑन कर दिया, सारी धज्जियाँ उड़ा देते हैं ये व्लॉगिंग की। यहाँ पहुँच गए बस स्टैंड, और बस स्टैंड है सूना सूना है ये जहाँ जाऊँ मैं कहाँ, कुछ इस टाइप का बस स्टैंड है अभी, खाली खाली सा, ठीक है, और धूप बहुत मस्त है, और मेरा शूज़ बहुत गीला है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है शूज़ में, मुझे समझ नहीं आई, शायद बाहर रह गया था ना तो बारिश में गीला हो गया, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है पाँव में, और अजीब सा चिप 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 हो रहा है, चिप चिप हो रहा है, बनाई ना मैंने उसको, म्यूट कर देना। मुर्तजा बोल रहा है कि मेरे लिए क्लिप बना एक, अब ना मुर्तजा भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है, अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा कम से कम 2-2 मिनट की डालूंगा, मैंने कहा डाल ले फिर और की करना। मुझे ना गाइस बुलेट चलाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, पर कहाँ से लाऊँ, किसकी ना, गाड़ी वाला देखते देखते जा रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रही है क्यों देख रहा था
तो मेरे साथ अभी मुर्तजा है और अभी ना हम यूनिवर्सिटी के नीचे वाली लोकेशन पे खड़े हैं। आवाज नहीं आ रही होगी आपको क्योंकि यहाँ से ना गाड़ियाँ चल रही है क्योंकि मैं बीच हाईवे के सामने ही ब्लॉग। तो अभी ना मैंने इसको बोला कि हम ना यहाँ ऊपर जाते हैं ब्लॉग बनाने, अगर बर्फ कहीं दिखी तो वहाँ पे बनाएंगे। तो एक छोटी सी ट्रिप कर लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है। मजा क्या आने वाला है, इतनी ठंड में जो ये ड्राइव होती है ना तो एक अलग ही फील होता है। तू कुछ बोल रहा है, तू कुछ बोलेगा? आज इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आज की गर्लफ्रेंड फोन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? तो गाइस अभी निकलते हैं हम आगे राइड को, उसके बाद मिलते हैं आपको आगे वाली लोकेशन पर। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम ना छोटी वाली राइड पे जा रहे हैं। आज ना बर्फ, मेरा आज बर्फ का मन कर रहा देखने का, तो मेरे को पता था यहाँ ऊपर बर्फ होती है तो मैंने कहा थोड़ा आगे तक जाएंगे, अगर मिली बर्फ तो वेल एंड गुड है, नहीं मिली तो वापस आ जाएंगे, है ना, ब्लॉग बन जाएगा वहाँ पे थोड़ा बहुत। और आपको मैं यहाँ की ना थोड़ी बहुत आज ना लोकेशन भी दिखा दूँगी, मतलब हमारे भदरवा का, मतलब मेन भदरवा से थोड़ा मतलब तो 4 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है। हम पहले भी यहाँ पे आए, मैंने आपको दिखाया है नालटी साइड वाली जगह है। तो ऐसा कि यहाँ पे ना और यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी भी है साथ में, ये वाली यूनिवर्सिटी है, मेरा तो सपना रह गया गाइज यहाँ जाने का। और फाइनली गाइज मेरा ना कॉलेज का रिजल्ट आ गया है, और मैंने ना व्हाट्सअप भी डिलीट कर दिया। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की, बोला कि रिजल्ट भेजा है देख ले, मैंने कहा बोल सीधे क्या है, बोलती नहीं भेजा है देख ले, बोलती है रोल नंबर बता मैं देखती हूँ, मैंने कहा रोल नंबर याद नहीं है। तो फिर उसने कहा ठीक है मैं व्हाट्सअप पे भेजती हूँ, मैंने उससे पहले व्हाट्सअप ही अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि मैं जानती मेरा रिजल्ट क्या है, मतलब पास भी हो सकते हैं ऐसा नहीं कुछ भी, पर ना मैं देख नहीं सकती रिजल्ट ठीक है, क्योंकि सिर्फ 5% चांसेस है पास होने के। नहीं बोल सकती मैं, कुछ नहीं बोल सकती मैं, बोलने के लायक नहीं हूँ। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, फुल पावर निकलते हैं यहाँ से। और मैं ये भूल ही गई कि ये स्कूटी है, बाइक नहीं है, फुल पावर नहीं चलेगी कुछ भी। देख रहे हो यहाँ से ना बर्फ दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो मुझे पता था यहाँ पे बर्फ होगी क्योंकि यहाँ पे ना धूप नहीं पड़ती, यहाँ पे धूप नहीं पड़ती है ज्यादा। देख रहे हो पहाड़ों पे, यहाँ पे अभी भी धूप है। और मेरा ना वापस से मन कर रहा है गुलडंडा जाने का, वो देख रहे हो पहाड़ इतना सुंदर लग रहा है, वो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। तो अब ना बहुत पहले से ना अभी तक बहुत ज्यादा ठंड कम हो गई है, अब ना हम ना बिना ग्लव्स के निकल सकते बाहर। मेरा घूम गया ना ग्लव्स, आज के बाद नीना लगाऊंगी तभी। और मेरे वाले ग्लव्स जो थे पहले वाले, वो ना सजाद ने ले लिए। पहले मैं देखती हूँ फोन तो नहीं किया किसी ने, क्योंकि अभी ना मैंने फ्लाइट मोड ऑन नहीं रखा। कोई भी कॉल नहीं आई है तो गाइस जब मैंने पहली बार स्कूटी लाई थी ना मुर्ता, पीछे से देख गाड़ी तो नहीं है, बाद में बोल रहा है। तो जब मैंने पहली बार गाइस स्कूटी लाई थी ना, तो ये वाला जो मोड़ है ना, इससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। अभी मैं वहीं होती थी तो मुझे इस मोड़ का ख्याल आता था। बहुत ठंड है यहाँ से, हमारे वहाँ पे ना इतनी ठंड नहीं है जितनी यहाँ पे है, लेकिन ना मीडियम ही है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, अब नहीं है। और मेरे शीशे उथल पुथल हो गए हैं, वो नीचे वाला मोड़ है, ये वाला बहुत खतरनाक था। वहाँ पे अभी भी बहुत सारी बर्फ है साइडों से, तो यहाँ की जो आगे की रोड है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे वहाँ से ना बहुत गंदा लगता है कि वहाँ से स्कूटी को चलाना। पहले ही मैं गिर गई, इसके टायर ना बहुत वो कर रहे हैं, अब स्किट होते हैं टायर इसके, ठीक है। तो अब मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वैसे बर्फ के ऊपर जब धूप पड़ती है ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है वो। बहुत गंदी सिंगर है, बहुत गंदी। तो गाइस जल्दी से जल्दी मेरे 20K कर दो, ठीक है। हाँ गाइस, और मेरे ना इंस्टाग्राम पे 10K हो चुके हैं, 10K हो चुके हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, ठीक है। यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी 20K कर दो, और
इंस्टाग्राम तो चल ही रहा। तो गाइस हम ना अभी नालटी के ऊपर वाले हिस्से पे पहुंच गए हैं, ठीक है। बर्फ तक पहुंचने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन ना आगे ना बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है, और आगे ना कोहरा भी बहुत ज्यादा है और घर से ना फोन भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए हमें ना निकलना पड़ेगा। यार ये बाल ना हेलमेट में खराब हो गया, मैंने दो गुत्ते की थी आज, वैसे मैं करती रहती हूँ। मुझे याद है मेरे एक कजिन को मेरी दो गुत्ते नहीं। तो गाइस व्लॉग ना बहुत बड़ा बन चुका है, तो शायद दो पार्ट होंगे, तो मैं पहला आज डालूंगी, नेक्स्ट कल डालूंगी। अच्छी बात है ना, रोज रोज जाना नहीं पड़ेगा बाहर के लिए व्लॉग बनाने। कहाँ है, क्या है तुम्हें, है ना भेद हाँ मैं रोज रोज वीडियो बनाती हूँ। ये देख रहे दूसरी यहाँ पे, ना ना इसको नहीं लाना रहने दो गाइस, आप अनसब्सक्राइब कर दोगे अगर मैंने इसको लाया